शुरुआत ही होती है हमारे सेवन दिल से। क्या करें, दिल तो बिल्कुल दीवाना बना देता है, लेकिन इनके थोड़े थोड़े प्यार से लेकर ऐसे आशिक हुए हैं न सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी। क्या आवाज, क्या कशिश, लेट्स गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली सेवन बेल। तो हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ होली हाई में मैं तो ऑलरेडी हाई पर हूँ। जी हाँ, क्योंकि हमारी जो सेलिब्रेशन हो रही है वो हो रही है लगातार 23rd, 24th एंड द 25th। 25th में ऑफ कोर्स मुंबई शहर, 23rd बैंगलोर सिटी और 24th हैदराबाद सिटी। सो श्रेयस ग्रुप, थैंक यू सो मच। और अब मैं रूबरू करवाना चाहूंगी विद द वन एंड ओनली फ्रॉम श्रेयस ग्रुप, जिनकी वजह से हम सब यहाँ हैं और मुंबई में ऐसी होली जो MMRDA में हो रही है, प्लीज आप सब भी अपने फैमिलीज के साथ आना, ऐसी होली मिस मत करना। जो दीवान की आप यहाँ देखोगे शायद ही आपने कहाँ पर देखी है। तो आइए हमारे वन एंड ओनली श्रीनिवास राव, यू वांट टू से हाय टू एवरीवन श्रीनिवास राव? यस यस, बिकॉज मेरी भी मुलाकात आपसे नहीं हुई तो मैं भी देख रही हूँ। थैंक यू श्रीनिवास, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। एंड जिस तरह से आप फिल्म प्रमोट करते हैं, नॉट जस्ट साउथ बट इवन बॉलीवुड, इट इज फेनोमिनल, द इनक्रेडिबल वर्क दैट इज बीइंग डन बाय श्रेयस ग्रुप, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू श्रीनिवास राव। और हमारे साथ है, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अस टू ऑल्सो वेलकम आवर डायरेक्टर ऑफ श्रेयस ग्रुप, लेट्स गिव इट अप फॉर विजय, जिनका नाम ही विजय हो उन्हें तो हाई करने की भी जरूरत ही नहीं है। जय भी उनकी, विजय भी उनकी, क्या बात है, इट्स बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। और नॉन स्टॉप म्यूजिक, नॉन स्टॉप पागलपन, दीवान की जो भांग से भी ऊपर नशे में ले जाता है वो है हमारे डीजे। सो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी डीजे एजे, डीजे करण एंड डीजे एलेक्स। सो एलेक्स इज योर आर्स एंड डीजे करण, मैंने बातें सुनी सर, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। श्याम गोरपड़े जी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्रेयस ग्रुप, और एक्चुअली सभी कुछ इन्हीं के हाथ में है, हैंडल सब यही करते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली एन ऑनर। एंड सर योर नेम इज, सॉरी एज, डीजे एजे मैं पूछ रही हूं, डीजे एजे यहां पर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विद द वन एंड ओनली सुखविंदर सिंह। सुखविंदर से आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। 25th को जो मुंबई में होली का जो फेस्टिवल हो रहा है, ये वो बात सही नज़र आ रही है, सितारे ज़मीं पे, यानि इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, इतने एनर्जेटिक, पॉपुलर, दे आर स्टार्स, एवरी वन हु विल बी ऑन अ स्टेज, आई कैन श्योर दे आर गोइंग टू क्रिएट मैजिक। सो आई पर्सनली नेम्ड दिस इवेंट Music Magic, because magic I am expecting and this is going to be happened on a stage. Kitna brilliant talent hai, theek hai, mere naam ke sath jo ek legendary word joda jata hai wo I can never accept that, because of mujhe malum hai actually legend ka matlab kya hota hai, and we know the names in past present mein bhi hain. Main हर रोज़ मुझे लगता है कि मैं यहाँ से भी कुछ सीख लूँ, यहाँ से भी कुछ लर्न कर लूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे मैं आई एम वेरी मच फाउंड ऑफ टू वियर न्यू काइंड ऑफ ड्रेसेस, मैं ब्रांड नहीं ज़्यादा पहनता, तो मतलब कहीं से कलर्स मिल जाते हैं, कुछ भी पहनता हूँ, कलरफुल बातें अच्छी लगती हैं, कलरफुल गाना अच्छा लगता है मुझे, कलरफुल माइंडेड लोगों के साथ मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ I don't do work seriously, but I do work sincerely. I have this color also. तो वहाँ पर इतने रंग स्टेज पे भी होंगे, जो बड़े हैंडसम चेहरे भी होंगे, और डीजे एजे, what a combination! It's a rhyme, and the brilliant boy and many other artists who they are, we are expecting them to come in another few minutes.
And one another lady we have right now, very energetic, very beautiful, very stylish, glamorous, elegant. And she's there at my right side, Ahuja. Yes, absolutely, I must say. Because jo introduce karte hain content ko, wo bahut rare person hote hain. Pehla curtain wohi open karte hain. And I can see the energy in you. Yes, that's true. To bas 25th ko, हमेशा हम सब आर्टिस्टों की ये कलाकारों की ये कोशिश होती है कि हम अच्छा परफॉर्म करें और हम में से अगर कोई एज कंटेस्टेंट अगर परफॉर्म नहीं करता कोई कंपटीशन माइंड में नहीं रखता तो फिर उसे हम मलंग के नाम से भी जानते हैं एंड आई फॉलो दिस रूल सो दैट्स इट तो बाकी इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता ज़्यादा क्योंकि मैं ज़्यादा गा सकता हूँ हाँ सो नाउ वी हैव अ ब्रिलियंट टैलेंट विद अस तो मैं इनके साथ हूँ ये मेरे साथ है तू बिल्कुल मेरे पास मैं बिल्कुल तेरे पास मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बॉम्बे में आपको पता है कि होली किस तरीके सेलिब्रेट होती है बॉम्बे का कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिच है स्पेशली होली बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है इस साल भी तो हर जगह होने वाली है तो मुझे लगता है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हम कर रहे हैं वहाँ पे सब लोग आए क्योंकि बहुत ही बड़ा लाइनअप है और बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं सिंगर्स हैं डीजेज हैं एंड ये लोग साउथ में इतने बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं और इन्होंने इतने सारे फिल्म के इवेंट्स किए सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस होल इवेंट सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड ऑल एक्साइटेड टू बी परफॉर्मिंग फॉर देम हमारे साथ सुखविंदर बाजी हैं जो जिन्हें सिन्हें सब आने ही वाले हैं और बहुत सारे अदर आर्टिस्ट भी हैं सारे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं या बैठे हुए हैं सारे डीजेस हैं सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं उनके लिए बहुत सारे होली वाले गाने गाऊं और उनको नचाऊं उनके साथ डांस करूं उनके साथ रोमांटिक गाने गाऊं सो आई एम जस्ट प्रिपेयर्ड विद होल एनर्जी सुपर एक्साइटेड कितने नर्वस है अगर ये मेरे साथ लिटरली बाइक शेयर करके गा रहे होते तो मैं शायद नर्वस हो जाता क्योंकि ही इज एक्सीलेंट एंड ही इज़ वेरी गुड और मैं तो काफ़ी सालों से सुनते आ रहा हूँ तो मैं उन्हें बहुत पसंद भी करता हूँ अच्छा अच्छी बात है आज तक मैं यही सुनता रहा हूँ कि मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ फिर मैंने सोचा यार बचपन से तो मैं भी खुद को सुन रहा हूँ हाँ नो कोई हम में से कोई नर्वस नहीं होता इनको लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि दे नेवर गेट नर्वस तो हम जब और बेहतर गाना सुनते हैं तो हम खुद भी बेहतर हो जाते हैं मेरा कहने का मतलब ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा गुरु आपके ओ केड़ा गुरु यार ये चैलेंज तो होता ही है बट इनसे सीखने को बहुत मिलता है आपको बताता हूँ एक अच्छे गुरु वही होते हैं जो आपको हमेशा सिखा देते हैं एंड मैं जितना मुझे लगता है कि जितने अच्छे गुरु लोगों से मैं मिल पाता हूँ वहाँ सीखने को बहुत मिलता है इनका स्टेज एक्सपीरियंस भी नए आर्टिस्टों को सीखने को मिलता है तो आई थिंक इट्स ऑलवेज सो मच प्लेजर इट्स सो मच फन टू परफॉर्म विद दीज आर्टिस्ट बिकॉज इनसे बहुत सीखने को मिलता है आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ नॉलेज टू लर्न मैं तो वैसे भी बहुत सारे डांस नंबर गाता हूँ तारे गिन गिन वगैरह सब सुखविंदर बाजी अच्छा ठीक है गा देता हूँ तारे गिन गिन याच तेरी मैं ता जागा राता नू रोख ना बावा अखिया विचो गम दिया बरसाता नू ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पावे वैसे तो मैं रोमांटिक गाने ज़्यादा गाता हूँ मेरे और जितने भी जो मेरे नए रिलीजेज़ हैं बट मैं ये सब भी ज़्यादा गाऊँगा क्योंकि इट्स अ होली फेस्टिवल यहाँ पे सबको नचाना सबको गवाना झूमना बहुत ज़रूरी है सो आई हैव अ लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स मन करता है शौटुआ ही कन्या पे डाउटुआ मन करता है शौटुआ ही कन्या पे डाउटुआ 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 लापता लेडीज फ्रेंड्स को तो मीडिया में जरूर कहना चाहूंगी दैट श्रेयस तो ग्रुप पे गा रहा है लेकिन ये श्रेयस लाइव है जो प्रेजेंट कर रहा है दे रही हूँ लेकिन आपने कहा कि आप गाइए चिड़िया चिड़िया लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपके दिल में जो भी गाना आता है आप प्लीज गाए मिसेस श्रीनिवासन आप शुरू करें नहीं वो गाते भी हैं लेकिन बताते नहीं हैं ओह वाओ यस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मीडिया महाराष्ट्र मीडिया थैंक यू वेरी मच
Hi, my name is Srinivas Rao from Telangana state. And now we are here with our Shreyas Live. As of now, in our Shreyas group, our vertical is there, Shreyas Media. With that vertical, we've done 2,400 plus events in South India in 13 years. And the entire 95% market share is in South. Now, we started a vertical called Shreyas Live. It's an experiential events. Why we are in this industry is, as per the statistics, by 2030, its industry going to cross the movie industry. Experiential events is going to cross movie industry, which 100%, 130% growth is there, year by year. So we want to start our vertical in live concerts. So we start with these three only events. Luckily, we got first three events, extraordinary legendary singers with us. And we have planned one event on 23rd in Bangalore, 24th in our hometown, Hyderabad, 25th in Mumbai. With six artists we are doing. Three events, 23rd, 24th, 25th is going to be a massive event for Shreyas Live. And from onwards, from April, we want to do 50 events in each city, in 10 cities in India. 24 and 25 financial year, we are planning 10 cities in India. Every city, 50 events per year, we are planning. In terms of music concert, in terms of Sufi kind of art events and stand-up comedy kind of events. All together, 50 events in each city are planning. It's a massive entry for Shreyas Live. Thank you, Maharashtra Media, for supporting us. Thank you once again, Supendra Singh sir, and Shabit Bin sir, Alex and DJ. AJ, thank you very much for gracing this press meet. And about Shreyas Live, some more details will explain my director, Mr. Vijay. Good evening, everyone. Thanks for here. Closer, sir. Good evening here. Good evening, everyone. Thanks for here. So it's a privilege and honor to start our Shreyas Live with our legendary singer Supinder sir, then step in for Bangalore. It's the first step of what we are doing in being from the South to coming to a Bollywood industry, doing the concerts here. So with your support, we will execute these concerts into a memorable events to other Bombay people. So going forward, this is not only the event we are doing in Bombay. So we have a couple of multiple events with the bigger stars and bigger artists we have lined up. And apart from this, we are planning to do overseas events also. So then Gulf countries, then America, Europe, then Middle East, and South Asia, we have plans. This is only a starting journey. So luckily, we have the wonderful talent associated with us for our first event. Going forward again, as Srinivas Singh said, we are going to do 500 events in 1 year. We have a bandwidth like what we have done in Hyderabad is that in a single day we have done 12-13 events. That's what our strength in Hyderabad. With a bandwidth of like a 4-5 cities in a single day, we have done events like 12 events in 1 day, 13 events in 1 day. So we have a 140-150 members of event team in Hyderabad. Now we are expanding into all 10 metros in major cities in India. So we are recruiting the good talent in, from across the India. Even we are looking for a good resource in overseas markets also. So this is only a starting we are doing. So we have a aim to entertain the people of 1 crore people in next 1 year. So that's our target. So we have to entertain 1 crore people across the globe with the talent and entertainment field. So that's our aim. And we have started. So with this kind of starting what we have in this market, it's going to be a one of its kind holy event. Of course, Bombay have seen much more bigger and holy events, but we want to show our taste into this market. Thank you. Thank you. So we have Supinder sir in Bombay and Hyderabad and Stephen in Bombay and Bangalore.
That's your question. Sir, tell us about your association with GS Live. Who are highlighting to hold the Bollywood mainstream events? Are you asking me? Yes, yes. Alex, right? Both of you. I'm sorry, I didn't understand your question, sir. आपकी सर से शेयर्स लाइव स्ट्रीम में हुए हैं और हिंदी मार्केट में ये रिव्यू जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शेयर्स लाइव इतना अच्छा इवेंट कर रहा है, इससे अलावा और क्या बोलूं? They are doing the best event, the best holi in Bombay city. I think all of you all should come with your families and we'll make sure you'll have a great time. पक्का प्रॉमिस सुखी बाजी हैं, सेवन बाजी हैं, एजे हैं, मैं हूँ, चकते फटे नब्दे के लिए हाथ पुटे करो बाजी। ये बात For this event, when I got a call and they said that it's going to be a big event and Shreyas Live is doing it for the first time, I've been in the studio making some new tracks, recreating the holi music altogether. So now with all these artists on stage, I think the new set that I'm putting up will be very different from what we normally do at a holi event. Thank you. Friends of the media, we now have a promo of Shreya's group, let's take a look, and also Shreya's Lai is bringing up and coming up with his brilliant Holi Harness. Let's take a look.